दोस्तों क्या आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि चलते चलते अचानक से बीच में ही कभी भी बंद हो जाती है, फिर चालू नहीं होता, आधे पौन घंटे बंद रखने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो चालू हो जाती है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए चेक करते हैं वॉशिंग मशीन में। तो वॉशिंग मशीन की पावर प्लग स्विच को हम पहले जरूर बंद कर दें, उसके बाद हम मशीन को इस तरफ पलटाएंगे, पीछे साइड चेक करते हैं। तो यहां पर ये जो कवर लगी है उसे हमें निकालनी है। तो कवर हटाने के बाद हम यहाँ पर ये जो मोटर होती है वाश वाली उसे चेक करते हैं, तो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो मोटर हीट होने के कारण से मोटर चलना बंद हो जाता है, और जैसे ही मोटर जो धीरे धीरे ठंडा हो जाती है तो फिर से चालू हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही फिर मोटर गर्म होकर बंद हो जाती है। इस तरह तो कई बार इस तरह से मोटर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें मोटर रिपेयर करानी होती है या फिर मोटर को हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ वॉशिंग मशीन से जुड़ी नई जानकारी लेकर नई वीडियो में। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।